वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। अभी हम बात कर रहे थे कि लाहौर शहर के जो बासी हैं वो एक्टिव भी हो जाए, अलर्ट भी हो जाए, जगह जगह आपको बैनर्स भी लगे नजर आ रहे हैं कि जनाब ई चलान जो सिस्टम है ना वो लाहौर में शुरू हो चुका है। सिग्नल तोड़ने की आपने गलती नहीं करनी। इसके अलावा ये जो हेलमेट का इस्तेमाल है वो कितना ज्यादा जरूरी है, तो जनाब आज इन सब पे डिस्कशन करेंगे। ट्रैफिक के मिसाइल जो जो आपके सवाल आते हैं आप भी कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे CTO लाहौर कैप्टन रॉयल लियाकत अली मलिक साहब। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर। लाहौर की ट्रैफिक के बारे में हम हर वक्त शिकायत करते हैं, फिर अब जरा सिस्टमैटिकली चीजें आना शुरू हुई है फॉर्म में तो हम भी थोड़े सेटिस्फाई हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को डर भी है कि अब चलान सिस्टम है वो नहीं है कि रोका और चलान हो गया, अब घर आया करेगा। जी मैं उसमें ऐसा है कि सेफ सिटी के 8000 के करीब कैमराज हैं और वो मोशन डिटेक्शन भी करते हैं, स्पीड की डिटेक्शन भी करते हैं, नंबर प्लेट को भी रीड करते हैं। तो उसके ये होगा कि टेक्नोलॉजी का दौर है, हमें उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। 8000 कैमराज हैं, उनको यूटिलाइज़ करने के बाद ये करेंगे। फेज़ वन में तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट इंशाल्लाह शुरू किया हुआ है, लेकिन आपको हैरानगी होगी देख के कि लाहौर में एवरेज जो लोग वायलेशन कर रहे हैं तकरीबन वो 3.25 लाख पर डे है। पर डे तो जो महजब कौमें हैं वो इन्फोर्समेंट तक नहीं जाती, वो खुद रियलाइज करती हैं कि हमने ये गलत, मतलब सीट बेल्ट बांधनी है तो मेरी जान बचेगी, हेलमेट पहनना तो मेरी जान बचेगी, सिग्नल जंप नहीं करना तो मेरा फायदा है। तो आप देखें ना 3.25 लाख पर डे की वायलेशन है, तो किसी भी महजब कौम में इट्स अलार्मिंग फिगर। एक्जैक्टली 3.25 लाख पर डे। तो अभी सेफ सिटी के ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया है और ट्रैफिक पुलिस उनके साथ है, इंशाल्लाह लाहौर ट्रैफिक पुलिस उनके साथ है और उसमें फेज वन में जो अभी हम कर रहे हैं उनके जो सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं वहां से हम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे सिर्फ सिग्नल जंपिंग को हम कर रहे हैं कि जो सिग्नल रेड लाइट को जंप करता है सिर्फ उनके चालान उनके घर पहुंचाए जाएंगे और उनको विद इन 10 डेज अगर कोई अपील करनी है तो वो अपील कर सकते हैं, अदरवाइज उसको फाइन को पे करना पड़ेगा विद इन 10 डेज, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन के उनके साथ उसका लग जाएगा और रिकॉर्ड में अगर उसने एक मखसूस नंबर है उसके बाद अगर वायलेशन की तो उसके बाद फिर गाड़ी को रोक लिया जाएगा और गाड़ी इम्पाउंड की जाएगी। अच्छा ये भी एक तो मामला होता है कि जिन लोगों की गाड़ी है वो अक्सर उनके नाम पे नहीं है, किसी ने परचेज की चलान, ये भी सेटिस्फेक्शन कुछ लोगों को थी कि चलान तुम्हारे नाम पे है, लेकिन उसका भी कोई प्रोसीजर डेफिनेटली होगा। देखें जी हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि हम जो भी काम करते हैं सबसे पहले उसका चोर रास्ता ढूंढते हैं। आप देखिए अगर गाड़ी उसके नाम पे नहीं है तो कसूर किसका है? बेचने वाले का और खरीदने वाले दोनों का है। आप देखिए इन्हीं चीजों में टेररिज्म में भी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। तो बीइंग ए गुड सिटीजन व्हाई शुड नॉट डू दैट, कि अगर मैं गाड़ी बेच रहा हूँ तो मैं इंश्योर करूँ कि वो ट्रांसफर हो गई है। मैंने मेरे पास विट्स गाड़ी थी और 2006 में मैंने उसको बेचा था, अभी तक मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं कि मैंने किसको बेचा था और उसके नाम पे ट्रांसफर भी, मतलब एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आप रिकॉर्ड रखते हैं अपना, क्योंकि यू हैव टू सेव योरसेल्फ। एग्जैक्टली, तो ये एक अच्छी जो मैंने पहले कहा ना जो अच्छे और मुअज्जब शहरी होने का सबूत है ना उसमें ये चीज भी शामिल है। देखे ना अगर उसने ट्रांसफर नहीं करवाई तो बेचने वाले का और खरीदने वाले का दोनों का कसूर है और दोनों रिस्क पर है, दोनों रिस्क पे है। तो हम जिसके नाम पे है हम उसको बेचेंगे ना, तो वंस ही विल सफर तो ही विल इंश्योर इट कि वो आगे ट्रांसफर हो और ओनर तक भी चीज जाए, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम सीधा हो जाएगा। अच्छा लाहौर की ट्रैफिक की बात करें, अब चूंकि गाड़ियों की तादाद भी बढ़ी है रोड्स के ऊपर, ट्रैफिक के मसाइल भी बढ़ रहे हैं कैनाल पे या दीगर जगहों पे, तो ट्रैफिक के लिए क्या स्ट्रैटेजीज, अब आप लोग चूंकि नए सिरे से सारी चीजें देख रहे हैं तो क्या स्ट्रैटेजीज आप लोगों की जानिब से बनाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपके इसका प्रोग्राम का और आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी आवाज लोगों तक पहुंचा सकूं। लाहौर की इस वक्त 11.5 मिलियन पॉपुलेशन है, इसके बाद जो लाहौर में इस वक्त रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं वो तकरीबन 5.9 मिलियन है, डेली 0.4 मिलियन गाड़ियां लाहौर के अंदर आ रही हैं और इसमें से 59% वो हैं जो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर हैं, यानी चिंगची और मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल कन्वर्टेड इनटू चिंगची, दोनों चीजें शामिल है उसमें। इस सारे के साथ रोड कैपेसिटी वही है जो कि आम पाकिस्तान के वक्त थी। तो आप देखिए ना कि जब किसी दौर में यहाँ पे 100 गाड़ी चलती थी उसकी जगह अगर आप यहाँ पे 60-70 लाख गाड़ी रोड के ऊपर ले आएंगे तो उड़ के तो जाना नहीं है, ट्रैफिक के मसाइल होंगे। फिर ट्रैफिक के मसाइल में खाली हम ट्रैफिक के मसाइल का जिम्मेदार उस वार्डन को कहते हैं जो चौक पे खड़ा है। उस वार्डन उस वक्त जिम्मेदार है जब आप आइडियल रोड बना दें कैपेसिटी के मुताबिक, एटलीस्ट अगले 25 साल के प्रोजेक्टेड टोटल उसकी कैपेसिटी के मुताबिक, दूर अंदेशी के साथ एक प्लानिंग की जाए, उसके बाद आप उसके जो है ना पार्किंग एरियाज भी बना दें,
स्टैंड भी बना दें उसके ऊपर, जहाँ लोगों ने बस स्टॉप्स भी अच्छे बना दें, उसके बाद आप इंक्रोचमेंट भी खत्म कर दें, रोड में खड्डे ना हो, रोड बनने के 2 महीने बाद उखड़ ना जाए, जो मर्जी जहां मर्जी उसमें कट डाल के कहीं पाइप डालना वासा का, कहीं वापडा का, कहीं अपने मर्जी से कोई बनती है तो फिर भी तोड़ के कुछ ना कुछ हो जाता तो वो भी ना हो उसके अंदर। उसके बाद गाड़ी में देखें, इसमें गाड़ी जो रोड पे आ रही है वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रोड यूज करने का। तो आप देखें कि पाकिस्तान में रिवाज ही नहीं है गाड़ी रिटायर करने का। 1947 वाली गाड़ी भी खराब है अगर, तो वो बंदा मैकेनिक के पास जाता है, कहता है यार जरा इन्हें टोच ला दे, तो फिर उन लिया रोड पे खड़ा कर देता, वो रोड पे चला रहा है, उसको रिटायर करने का कोई रिवाज नहीं है पाकिस्तान में। तो वो गाड़ी भी रोड के ऊपर अगर कहीं किसी जगह पे वो उसका एक्सल टूट जाता है, टायर टूट जाता है, टायर बस्ट हो जाता है, बंद हो गई, तो इशू इज विद द ट्रैफिक, विद द ट्रैफिक। आज अभी सरगोधा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया हुआ है, रोड ब्लॉक किया हुआ है, तो जो बंदा भी गालियां दे रहा है वो ट्रैफिक पुलिस को दे रहा है, सरगोधा यूनिवर्सिटी वालों को कोई नहीं दे रहा कि ये रिस्पॉन्सिबल, पुलिस को लोकल को गालियां दे रहे होंगे जी देखो जी कार कुछ नहीं रहे, उनको कोई नहीं दे रहा जो रिस्पॉन्सिबल है, जो रोड ब्लॉक कर रहे हैं उनको भी कोई कुछ नहीं कह रहा। तो अनफॉर्चुनेटली ये सारे फैक्टर्स जमा, अगर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं और आप हैं जो गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली, अब ये यही बात मैं आपसे करने वाली थी कि हमारे लोगों में अवेयरनेस की भी कमी है, अवेयरनेस के लिए भी हमें अवेयरनेस है। मैं देखे ना नेगेटिव अवेयरनेस बहुत है, कल से मुझे लोग कॉल ये कर रहे हैं कि सर देखे ना आपने हेलमेट पे पाबंदी करवा दी लेकिन हमें तो किसी ने बताया नहीं, हालांकि आपको भी पता और मुझे भी पता कि मैं 2.5 महीने से इस पे लगा हुआ हूँ, मैं 3 महीने की मेरी पोस्टिंग और 2.5 महीने से मैं इस पे लगा हूँ कि मैंने हेलमेट के खिलाफ कार्रवाई करनी है जिसने हेलमेट ना पहना, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, प्रिंट मीडिया पे भी चल रहा है, और मेरे 12 कैंप तो माल रोड पे लगे हुए हैं एजुकेशन के, 50,000+ पंफलेट्स हमने तकसीम की हैं, मोर देन 24 हमने वॉक्स की हैं, 2,000 के करीब फ्री हेलमेट तकसीम किए, और फिर भी वन फाइन मॉर्निंग एक बंदा फोन उठा तो कहता है देखो जी सानू तो तुसी दस्सिया ही नहीं। तो पॉइंट ये है कि मेरी भी जिम्मेदारी है कि अगर मैं गिरूंगा, घर से निकलना है, मैं सड़क पे गिरता हूँ तो सर मेरा फटना है, मरना मैंने है, तो मैं हेलमेट पहन लूं। एग्जैक्टली, हमें खुद से भी लेकिन हमारे अंदर जो गाड़ी के ऊपर मैं जा रहा हूँ, फोन मैंने कान पे लगाया हुआ, गप्पे मार रहा हूँ, गाड़ी ठा करके मर जाती लग जाती है, एक बंदा मैं गाड़ी के नीचे देता हूँ खुद भी मर जाता हूँ, लेकिन मैं बाज नहीं आता, सीट बेल्ट मैं नहीं बांधता, हालांकि सीट बेल्ट से जब मैं लगूंगा तो मैं नहीं बांधूंगा। से अभी क्योंकि पहले काफी कैंपेन चली थी, लोगों में अवेयरनेस आई है, अब मैं खुद भी अगर ऑब्जर्व करूं तो सीट बेल्ट लोग पहन के जा रहे होते हैं। हम बहुत समझदार लोग हैं, हमें पता हर चीज का होता है, इशू इज वी डोंट वांट टू डू दैट, और देयर इज अ साइकोलॉजिकल मोड ऑफ साइकोलॉजिकल। जब तक आपको कोई ऊपर से सर पे डंडा लेके निकल रहा होगा, कल मुझे कुछ लोगों ने फोन किया, बड़े सीजन साफियों ने, देखो जी लोगों को शुगर भी तो है ना जी, वो किस तरह हेलमेट पहन गए, व्हाट दैट ब्लडी शुगर हैज टू डू विद हेलमेट, व्हाट द फन इन दैट, जी ब्लड प्रेशर है जी वो हेलमेट कैसे पहनेंगे, ओ भाई ब्लड प्रेशर से हेलमेट का क्या ताल्लुक है, और हेलमेट पहन से उसकी जान बचनी है। और देखो हम वो ट्रैफिक वाले वो बदनसीब लोग हैं कि सड़क पे खड़े होके हम आपकी जान बचाने के लिए आपसे गालियां खाते हैं पूरा दिन, कि हेलमेट पहनेंगे तो आपकी जान बचेगी, सीट बेल्ट बांधेंगे तो आपकी जान बचेगी, आप तेज ड्राइविंग नहीं करेंगे तो आपकी जान बचेगी, आपका कम उम्र बच्चा गाड़ी नहीं चलाएगा तो आप बचेंगे, आप लाइसेंस लेके चलाएंगे तो आप बेहतर ड्राइवर होंगे, आप सिग्नल जंप नहीं करेंगे तो आपकी जान बचेगी, और आप देखें ये सारे काम आपकी जान बचाने के लिए गालियां हमें पड़ रही हैं कि देखो जी बड़ी सख्ती कर रहे हैं जी, बड़ा जुल्म कर रहे हैं जी, बड़ा सख्ती और जुल्म की कहानी ना अभी हम सुनने वाले हमारे नुमाइंदे अरसलान हैदर जिस तक ट्रैफिक वार्डन के साथ मौजूद है। अरसलान, चलान सिस्टम तो एक्टिव में आ चुका है, हेलमेट नहीं पहनेंगे और जुर्माना जब छोटा मोटा नहीं होगा, आपको लंबा चौड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा, ट्रैफिक वार्डन से बात करें और आप खुद भी मेरे सवाल से डिटेल्स बताएं। जी देखिए, मैं इस वक्त ना ये रीगल चौक पर मौजूद हूँ अरमला, और जो गुज़िश्ता रोज़ सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो क्रैकडाउन शुरू किया गया था, उसके बाद आज सड़कों पर मुझे 90% के करीब जो शहरी हैं वो इस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हुए जो दिखाई दे रहे हैं कि माल रोड पर हर इशारे पर जो जितने भी लोग नजर आ रहे हैं उनमें 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने हेलमेट्स पहने हुए हैं, और ट्रैफिक एहलकार जो है वो अभी भी इस वक्त चलानों में मसरूफ है। ये देखें हमारे पीछे ये एक चलान किया जा रहा है, और ये भी इन्होंने सिर्फ जो हेलमेट ना पहनने की वायोलेशन की है जिसके बाद इनका चलान किया जा रहा है। सर ये बताइएगा आमिर साहब कि अभी चलान किया जा रहा है इनका, और कितने लोग हैं आपको आज कितने शहरी नजर आ रहे हैं जिन्होंने हेलमेट्स नहीं पहने? आज तकरीबन 70% लोग ऐसे ही, 80% ही कह लो कि लोग ऐसे हैं जिन्होंने हेलमेट पहने हुए हैं, कुछ रह गए हैं लोग उन्हें चलान कर रहे हैं तो डेफिनेटली पहनेंगे। देखिए ये ट्रैफिक वार्डन जो है इस वक्त सिर्फ चलानों में मसरूफ है,
और इसके बाद जो शहरी हैं वो चलान करवाने में लगे हुए हैं, और क्योंकि सामने ही बैंक है चेहरी क्रॉस के, और उनको शहरियों को भी ये सहूलत दी जा रही है कि यहाँ पर चलान करवाएं और सामने बैंक है वहाँ जाके इसको पे करें, उसके बाद जो है ना वो ये अपना हाँ, एक बार चलान होगा तो अगली बार पहनेंगे। और चलान जो आप अभी डिटेल हमें बता रहे थे कि 80% लोगों में अवेयरनेस आई है, ट्रैफिक वार्डन्स के इस हवाले से भी बात करें तो इनका भी डेफिनेटली एक रोल है कि ये अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को और इस पे कैंपेन भी की जा रही है। आपका इस हवाले से जब इंटरेक्शन हुई तो उनका क्या कहना था? के अभी यहाँ पर ना हमारी एसपी सदर जो थे आसिफ सदीक वो भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी आके लोगों को ब्रीफिंग दी, शहरियों में ब्रीफिंग दे रहे हैं कि यार हेलमेट पहने, हेलमेट ना पहनने का जो नुकसान है वो आप लोगों को ही होगा, इससे हादसात में जो ना हादसात में इजाफा हो रहा है, और हादसे में हेलमेट का अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो उसमें खासा जो ना शहरी की बचत हो सकती है। क्योंकि अब रेस्क्यू रिपोर्ट के मुताबिक, मैं कल की रिपोर्ट आपसे शेयर करूँ कि रेस्क्यू से मैंने बात की जब, कि अभी कल जो क्रैकडाउन किया गया था उसमें हादसात में कितनी कमी देखने में नजर आई, उन्होंने कहा तकरीबन 25% जो है ना वो जो मोटरसाइकिलों में हादसात हो रहे थे और उसके बाद उनमें जो है ना हेड इंजरीज आ रही थी उनमें हमें कमी देखने में नजर आई है हेलमेट की वेयरिंग की वजह से। जो लोग हेलमेट पहन रहे हैं उनके साथ जो है ना उनमें अब देखिए हादसा में भी कमी आ रही है और हर जगह का बर्डन भी कम हो रहा है, हॉस्पिटल्स में भी बर्डन कम हो रहा है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। और सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है इसमें एक बेहतर और अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है कि और शहरियों का भी काफी ज्यादा इसमें कंप्रोमाइज है कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया गया है सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। बहुत शुक्रिया अरसलान हैदर सर। देखें एक्सीडेंट्स की तादाद भी कम हुई और चलान और हेलमेट पहनने की शर्म में भी इजाफा हुआ। जी मैं शुक्रगुजार हूँ आपका भी और अरसलान हैदर साहब का भी, क्योंकि 90% हमें क्रिटिसाइज किया जाता है और हमें वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमें, यानी कल की बात है कि कुछ मीडिया वाले दोस्तों ने फ़ोन किए और उन्होंने कहा जी क्या मीडिया को इस्तिस्ना हासिल है इसमें। मैंने कहा जी इसके लिए आपको जो है ना एक हमें कहें ये हमें असेंबली में जाना पड़ेगा दोबारा कानून पास करने के लिए कि आपके लिए इस्तिस्ना लेके आए कि हम आपकी ज़िंदगी बचाना चाहते हैं लेकिन आप मरना चाहते हैं, तो इसके लिए हम फिर असेंबली में जाएंगे कि जी हमें इसके ऊपर एक नई लेजिस्लेशन करें। तो ये हमारे बेसिकली रवैये हैं। आपने अभी भी देखा ना कि पूरी कैंपेन के बावजूद, सारा कुछ के बावजूद लोग हेलमेट पहनने के लिए तैयार हैं। कल एक ने किसी मेहरबान ने एक वीडियो क्लिप बनाया हुआ था कि एक बंदे ने अपने सर के ऊपर ना प्लास्टिक की टोकरी रखी हुई, बेसिकली वो इट वाज यानी यू नो डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, अगेंस्ट इट वाज अगेंस्ट मी कि जी ये देखें, तो उन्होंने कहा जी सीटीओ साहब का ऑर्डर है हेलमेट पहन के आए तो फिर मैंने टोकरी सर पे रख ली है कि मैं बच जाऊंगा। पॉइंट ये है कि उसको ये नहीं पता कि सीटीओ साहब का ऑर्डर नहीं है, ये कानून है और आपने फॉलो करना है। और इंटरनेशनली बहुत ज्यादा इस पे सख्ती है कि आपने हेलमेट, इवन आप जो बाइक चला रहे हो जो बाइक के पीछे बैठा हुआ है उस पे भी हेलमेट पहनने पे है एज पर सेक्शन 39 दोनों के ऊपर है। लेकिन हम तो अभी एक के ऊपर पाबंदी करवा रहे हैं तो पूरे शहर की चीखें निकल गई हैं और लोग, यानी मैं वही बता रहा हूँ कि आई एम ग्रेटफुल टू योर टीम और आपके चैनल डेफिनेटली हम तो अप्रिशिएट करते हैं जब भी कोई ऐसा इनिशिएट, क्योंकि लाहौर में ट्रैफिक के मिसाइल एक्सीडेंट्स की रेशो, इवन हम खुद जब रोड्स पर निकलते हैं हमें खौफ आ रहा होता है कि कोई ना कोई हादसा या कोई ऐसी चीज ना हो जाए। तो हम इसको इंशाल्लाह आप लोगों के तावन के साथ, और इसमें एट द सेम टाइम मैं ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर और स्पेशली मिस्टर जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब का, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा इसमें बेसिक सपोर्ट किया हमें, और हमें बिल्कुल जो है ना उन्होंने हर तरह का, उन्होंने कहा जी यू टेक इनिशिएटिव और हम आपको जो है ना वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे और कहीं आपको इंशाल्लाह कोई इशू नहीं आएगा। उसकी वजह से हम मिलके हमने बहुत सारे और मसले, शाहकाम चौक की रीडिजाइनिंग के ऊपर काम शुरू हो गया है, इसी तरह जो ओवरलोडिंग के कुछ इश्यूज थे वो, इसी तरह कुछ हमारी नई पेनल्टीज जो जानी थी उसके ऊपर भी हमारे 12th शेड्यूल में, और हमारा जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस की अमेंडमेंट के लिए भी हमने वो सारा, तो वो हमें बहुत ज़्यादा उस तरफ से भी सपोर्ट है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, मेरा अपना डिपार्टमेंट में आईजी साहब सीसीपीओ साहब दे आर वेरी यू नो पर्टिकुलर अबाउट दीज थिंग्स कि इनको इम्प्लीमेंट करवाया जाए और लेट्स रीमॉडल और लाहौर में हम बेहतर ट्रैफिक फ्लो को इंश्योर करें व्हाइल रिमेनिंग विद इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम। अच्छा, ये ओवरऑल फ्लो को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज तो आपकी जानिब से भी बनाई जाएंगी, क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि रोड्स वही हैं जो ट्रैफिक की है, गाड़ियों की रवानी है उसमें डेफिनेटली मुतासर होते हैं। एहतजाज सिस्टम, ये जो धरना कल्चर है, एहतजाज कल्चर, इसकी वजह से भी आपकी हर्डल्स तो आती हैं ड्यूटीज में, और ट्रैफिक वार्डन्स को भी अवेयरनेस देना और उन्हें भी इस हवाले से करना, उसके लिए आप लोग क्या करें? जी उसमें दो चीजें हैं ना, ट्रैफिक वार्डन्स के लिए तो हम अदरवाइज इनकी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए सेमिनार भी करवाते रहते हैं और वो चीजें हम करते रहे, लेक्चर्स भी देते हैं सारा कुछ, और ये माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं सारे और बड़े एजुकेटेड और बड़े जो है वेल बिहेव्ड लोग हैं। लेकिन आप देखिए रोड के ऊपर जो बंदा 8 घंटे खड़ा होता है और जब वो आपको बचाने के लिए आपको रोके और आप मोटरसाइकिल उसकी टांगों पर मार दें,
تو میرا خیال ہے اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے. تو یہ میرے ٹریفک وارڈن بےچارے روز زخمی ہوتے ہیں. آپ کبھی ان کا اسٹیٹسٹکس لیں کہ کتنے لوگ زخمی ہوتے ہیں صرف اس بات پہ کہ جی آپ نے اس کو ہیلمٹ پہننے سے روکا, اس نے پیچھے فون کی تک پہننے کے لیے کہا, اس نے فون کیا, دو پیچھے دوست اور بلوائے, وارڈن اکیلا چوک میں کھڑا, اس کو مارنا شروع کر دیا. تو یہ روٹین میں انسیڈنٹس ہو رہے ہیں. سوسائٹی نیڈس ٹو ریئلائز دس تھنگ کہ ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. دوسرا, اس میں جو آپ نے بات کی ہے نا احتجاج کی اور باقی چیزوں کی, یہ ہم نے اپنے رویے چینج کرنے ہیں. میں نے کچھ ٹرانسپورٹرس میں الیگل اڈے بنائے ہوئے تھے جس کی وجہ سے روڈ بلاک ہو جاتا ہے, میں نے وہ اڈے ختم کروائے. اس میں مجھے اتنی ریزسٹنس آئی کہ اس میں کچھ میرے جو ہے نا بھائی میڈیا کے بھی شامل تھے, کچھ اس میں میرے آفیشلز شامل تھے, کچھ ٹرانسپورٹر جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے ان میں. تو انہوں نے تقریباً کو چار دفعہ احتجاج کیا, روڈ بلاک کیے انہوں نے صرف اس لیے کہ میں ان کے الیگل اڈے ریموو کروا رہا تھا. اچھا, تجاوزات کا معاملہ بھی تو لاہور میں ٹریفک کے بہت سارے مسائل کو, اس کی جانب سے آپ کو کوآپریشن مل رہی ہے؟ جی, تجاوزات میں ایم سی ایل بھی کر رہی ہے, ایل ڈی اے بھی اس میں کام کر رہی ہے, زیادہ پروایکٹیو ہو کے کر رہی ہے, لیکن اس میں بہت زیادہ کام ہونا بھی باقی ہے. مال روڈ کو ابھی ماڈل اس کے طور پہ لیا ہے اور اس میں ٹریفک جو الیگل پارکنگ تھی وہ ختم کر دی. لاہور پارکنگ کمپنی کی 8 سائٹس ان میں دے دی ہیں جس میں میرا سٹاف ان کے ساتھ ہے, لفٹر ساتھ ہیں, تو ہم الیگل پارکنگ ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نہ ہو. اس کے علاوہ ہم نے ایک سروے کروایا تھا, 246 پلازاز ہیں جن میں اوریجنل ڈیزائن میں پارکنگ سپیس رکھی گئی ہے اس پر لا, لیکن سبسیکوئنٹلی اس پارکنگ سپیس کو ختم کر کے وہاں دکانیں بنا دی. تو وہ کیس بھی ہم نے ٹیک اپ کیا گیا کہ وہ سارا ختم کیا جائے اور اس کو دوبارہ پارکنگ میں کنورٹ کیا جائے. انفارچونیٹلی دیکھیں کہ پاکستان میں ہر بندہ جو سرکاری سڑک کے اوپر ریڑی لگا رہا ہے, ٹھیلا لگا رہا ہے, وہاں اپنا سٹال لگا رہا ہے, وہاں اپنی دکان الیگل انکروچ کر کے جگہ بنا رہا ہے, وہ تاجر کے نام پہ سرکاری زمین کے اوپر بزنس کر رہا ہے اور میرے اور آپ کی کاسٹ پہ کر رہا ہے کیونکہ ہم نے وہاں سے گاڑی گزارنی ہے, اینڈ ہی از ناٹ ریڈی ٹو گیو دا اسپیس. تو یہ رویہ ہمیں بدلنا پڑے گا کہ یہ دنیا کا کوئی بزنس نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے ریگل چوک کے اندر آ کے اپنی دکان بنانی کیونکہ میں تاجر ہوں, یہ نہیں ہے. یہ ہمیں چینج کرنی پڑیں گی چیزیں, ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ چینج کرنے پڑیں گے. تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ بیرون ملک دیکھیں, کہیں کوئی خدا نخواستہ کوئی ایشو, آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پاکستان میں لوگ سیلفیاں بنانا شروع کر دیں, وکٹم کو نہیں نکالنے کی کوشش کرتے, ایمبولینس کے لیے راستہ نہیں چھوڑتے, بلکہ وہ ہاں کی ہویا کی ہویا کی ہویا والے لوگ روڈ بلاک کر دیتے اگلے آدھے گھنٹے کے لیے. باہر کبھی ایسا نہیں ہوتا. یہاں پہ کہیں ٹریفک کا کہیں ایشو ہو جائے, لوگ باہر آپ دیکھیں تین تین دن کے لیے لوگ قطاروں میں لگے رہتے ہیں, وہ قطار نہیں اپنی توڑتے, وہ لائن لین کی پابندی کرتے. ہمارے تو کوشش ہوتی ہے کہ اگر پاسبل ہو تو جو اپوزٹ لین ہے نا وہ سارے ادھر سے رانگ سائڈ پہ جانا شروع کر دے, اس کو بلاک کرتے ہیں, اور پھر اپوزٹ لین جب تک کلیئر نہ ہو دوسری ٹریفک نہ چلے, ادھر والی بھی نہیں چل سکتی, اس کی وجہ سے جہاں ٹریفک 10 منٹ کے لیے خراب بند ہونی ہے وہاں ٹریفک 24 گھنٹے بند رہتی ہے. تو یہ ہمیں رویے چینج کرنے کی, اور ہمیں ہم ویسے بھی اتنے کو ٹائم کے کانشیس نہیں ہیں, یہ صرف ہم ٹریفک روڈ کے اوپر ہی ہم یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے آگ بجانے جانا ہے, جبکہ آگے جا کے ہو سکتا ہے 2 گھنٹے بندر تماشا دیکھنے کے لیے ہم ٹائم لگا دیں. اچھا, یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے جرمانوں کے حوالے سے کہ کتنا جرمانہ کیا گیا ہے گاڑی اور موٹر سائیکل کے حوالے سے, کہ اگر وائلیشن کی جائے گی تو اس کے حوالے سے. جی دیکھیں, بیسیکلی جو ابھی تو جو ایگزسٹنگ پینلٹی ہے وہی ہے جو ایز پر لا ہماری موٹر وہیکل آرڈیننس میں موجود ہے, ٹھیک ہے, اس کے 24 کوڈز ہیں. ابھی انہانسڈ پینلٹی کے لیے ہم نے جو اس کے امینڈمنٹ کے لیے ایک سمری گئی ہوئی ہے وہ اس میں لا ڈپارٹمنٹ میں پہنچی ہوئی ہے, وہ انشاءاللہ آگے اسمبلی میں چلی جائے گی. تو اس میں بھی جو وائلیشن کے پچھلے دنوں سے, میں یہ بھی ایک کلیریفیکیشن دے دوں کہ پچھلے دنوں میں کچھ لیٹر سرکولیٹ کر رہے تھے کہ جی لاہور پولیس نے پتہ نہیں کوئی 10,000 جرمانہ کر دیا یا 5,000 جرمانہ کر دیا. دیکھیں یہ چیزیں ایک سجیشنز ہوتی ہیں, سجیشنز جو ہیں دوز آر آلویز ڈیلیبریٹڈ اپان, ان کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے مختلف فورمز میں, ڈسکشن ہونے کے بعد پھر وہ کسی امپلیمنٹیشن کی طرف آتے ہیں, یعنی وہ اس کے بعد وہ کسی فارمیٹ میں آتی ہیں, پھر ان کی سمری موو کرتی ہے, اور الٹیمیٹلی ان کا اپروول تو جا کے اسمبلی سے ہونا ہے اور وہ ایک لمبا پروسیس ہے. تو اس کے اوپر شہریوں کے اندر ایک بالکل خوف و ہراس پیدا کر دینا, 2,000 اور 10,000 کا جو معاملہ آ رہا تھا, ہاں وہ ایک خوف و ہراس پیدا کر دینا وہ مناسب نہیں ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اٹ واز جسٹ اے سجیشن, اور اس سجیشن کے اوپر ابھی لمبی چوڑی ڈسکشن ہوگی, اس کے بعد وہ کسی فارمیٹ میں جائے گی, ہو سکتا ہے وہ آگے پروو ہوتی ہے, یعنی جاتی بھی ہے کہ نہیں جاتی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ جب کوئی پینلٹی بھی دیکھنی ہوتی ہے تو اس میں
एक बंदे की कैपेसिटी को भी देखना होता है कि वो पे भी कर सकता है नहीं कर सकता। सवाल करने वाली थी कि 10,000 जो 2,000 का मामला है, ये भी सजेशन है। पाकिस्तान में देखे ना, पाकिस्तान में लोग सेकंड हैंड मोटरसाइकिल 15,000 का ले लेते हैं, तो 15,000 रुपए जुर्माना कौन देगा? तो बहुत सारी चीजें देख के, ये ऐसे नहीं है कि बिल्कुल जो है ना वन फाइन मॉर्निंग उसके ऊपर अमल हो जाएगा। और लोगों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि 24 तारीख से 10,000 रुपए जुर्माना हो जाएगा, कि भाई नहीं, ये एक सजेशन है। तो इसलिए ये मैं आपके कैमरा के तवसत से सबको बताना चाहूंगा कि ब्राय मेहरबानी कुछ लोग पुलिस को बदनाम करने के लिए, हुकूमत को बदनाम करने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। पेनल्टी सिस्टम अभी भी वही है जो पुराना था, इन वो वही चल रहा है। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में जो था, जो अमेंडेड है, वो अभी अप्रूव नहीं हुआ। और अमेंडेड में भी जो हेलमेट की जो है ना, जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो 1,000 है, उससे ज्यादा नहीं। और गाड़ी की अगर आपने 1,000 से ज्यादा कोई पेनल्टी नहीं है। ओके, टोटल कोड 1 से 24। सारी आपको सोशल मीडिया पे खबरें इधर उधर से मिल रही है, तो इसका मतलब कि अभी सजेशन है और इस पे अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। जो पुरानी पेनल्टी है वही आपको पे करनी है। कोई मैसेज जो आप हमारे प्लेटफॉर्म से देखने वालों को देना चाहें फिल्म क्लोजिंग के लिए? जी, मैं आपके तवसत से सबसे पहले तो आपका टीम का सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और दूसरा मैं अपने नाज़रीन को यह बताना चाहता हूं, जिस तरह मैंने पहले बात की कि जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है वो आपकी जान बचाने के लिए, आपके तहफ्फुज़ के लिए सड़कों के ऊपर खड़ी है। अगर वो हम लाइट रेड लाइट क्रॉस करने से, जंप करने से आपको रोकते हैं, हेलमेट पहनने का कहते हैं, सीट बेल्ट पहनने का कहते हैं, अंडर एज बच्चों को बाहर गाड़ी पे ना भेजने का कहते हैं, तो ये दरअसल हम आपकी जान बचाने के लिए कहते हैं। तो इसके लिए, अपनी जान की हिफाजत के लिए ब्राय मेहरबानी हमारे वार्डन्स के साथ और हम सब के साथ तावन कीजिए। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच कि आप आए, आपने टाइम दिया और लोगों में अवेयरनेस भी दी और जितनी भी क्लैरिफिकेशन है हमारे प्लेटफॉर्म से की। जनाब, आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है, ट्रैफिक पुलिस अपना रोल अदा कर रही है, एज ए इंडिविजुअल एज ए सिटीजन आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी है। हेलमेट का इस्तेमाल करें, सीट बेल्ट पहने, इशारा तोड़ना बिल्कुल गलत बात है, इसको नहीं करना। इवन अभी आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोग, हम सब इस पे जाएंगे और इस पे अमल दरामद भी करवाएंगे। आपसे इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।